अब आइए देखते हैं प्रमाप विचलन विधि के द्वारा अपकिरण ज्ञात करना। प्रमाप विचलन विधि का प्रतिपादन सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था। इन्होंने यहाँ पर अपकिरण ज्ञात करने की अब तक की हमने जितनी विधियाँ देखी वहाँ पर जो दोष थे उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया प्रमाप विचलन विधि के अंतर्गत। जैसे कि हम देख रहे थे कि कई बार हम जब विचलनों का योग करते हैं तो वहाँ पर हम प्लस माइनस के जो चिन्ह होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो इस तरह के कई दोष थे उन विधियों में, उनको दूर करके कार्ल पियर्सन ने अपकिरण के कैलकुलेशन के लिए प्रमाप विचलन विधि का प्रतिपादन किया। एक उदाहरण के तौर पर इसको और अच्छे से समझना चाहे तो हम देखेंगे इसकी गणना करते समय हम अपकिरण को सदैव समांतर माध्य के आधार पर ही ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य की कैलकुलेशन, क्योंकि आपने देखा कि अपने आप में बहुत सरल है, चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से उसकी कैलकुलेशन करें या शॉर्टकट मेथड से, दोनों ही विधियों में हम बहुत आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्यिका या मोड की अपेक्षा हम उसको ज़्यादा आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी अगर इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि इसके पहले तक कि हमने जिन विधियों का प्रयोग किया वहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भ्रामक सी स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर जब कार्ल पियर्सन के प्रमाप विचलन विधि के द्वारा जब हम अपकिरण की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हम नियमानुसार प्लस माइनस की जो उसके जो नियम है उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर विचलनों का योग ज्ञात करेंगे। तीसरा हम इसमें एक बात देखें तो हम ये भी देखते हैं कि हालांकि जो माइनस वाले जो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, उनको यहाँ पर जब हम विचलनों का वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो वो माइनस और मल्टीप्लाई बाय माइनस से जब हम करते हैं तो वो अपने आप में जो होता है एक धनात्मक संख्या हमको प्राप्त हो जाती है जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो ऐसे कई दोष अब तक के मेथड में थे जिनको जब हमने कार्ल पियर्सन मेथड का उपयोग अब यहाँ पर जब हम प्रमाप विचलन विधि के द्वारा करेंगे तो वो उन दोषों को हम समाप्त कर सकेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रमाप विचलन के द्वारा जब हम अपकिरण की बात करते हैं तो वास्तव में प्रमाप विचलन क्या है। तो इसके लिए हम एक परिभाषा देखते हैं कि किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के वर्गों का वर्गमूल ही उस श्रेणी का प्रमाप विचलन है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि केवल समांतर माध्य के द्वारा ही हम जो x जो श्रेणी होती है, पदमूल्य होती है, उसके उस सीरीज़ में जितने नंबर होते हैं, जितने पद होते हैं, सब का हम विचलन ज्ञात करते हैं और फिर उन विचलन का हम वर्ग ज्ञात करते हैं और फिर वर्ग के योग के आधार पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो प्रमाप विचलन मेथड से हम अपकिरण की कैलकुलेशन की गई है ऐसा कहते हैं। अगला अगर हम देखें तो प्रमाप विचलन को जब हम कैलकुलेशन उसकी करेंगे तो हम उसको किस तरह से दर्शाएंगे, तो प्रमाप विचलन को हम इस तरह से ग्रीक वर्णमाला का ये सिग्मा जिसे कहते हैं, इस जो इसे स्मॉल सिग्मा भी कहते हैं, स्मॉल सिग्मा के द्वारा हम यहाँ पे प्रमाप विचलन को प्रदर्शित करेंगे। अब बात आती है गुणांक की। जैसे अभी तक के हमने जो मेथड्स देखे वहाँ पर भी हमने देखा कि गुणांक तक कैलकुलेशन हमने की है, तो यहाँ पर भी अगर प्रमाप विचलन गुणांक की हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो होगा कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार, यानी प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य। तो क्योंकि कोफिशियंट यानी कि विचरण ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन तो कैलकुलेट करना ही है, और क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन के आधार पर, मीन यानी कि समांतर माध्य के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें तो हमको प्राप्त हो गई हैं, तो बहुत आसानी से हम कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रमाप विचलन के कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड हैं। प्रमाप विचलन का कैलकुलेशन भी हम अभी तक हमने जैसे हम देखते आए कि माध्य की कैलकुलेशन हम दो रीतियों से कर रहे थे। एक पहली जो है वो है प्रत्यक्ष रीति जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और दूसरा जो है वो लघु रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड से हम यहाँ पर प्रमाप विचलन के आधार पर भी अपकिरण की कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका पहला मेथड जब हम प्रत्यक्ष रीति की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हम बहुत साधारण सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्मॉल सिग्मा से हमने प्रदर्शित किया है वो स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि प्रमाप विचलन है, और उसके बाद हमने जो डी स्क्वायर यहाँ पर प्रदर्शित किया है वो
विचलन के जो वर्ग हमने डी जो हमने फाइंड आउट किया है उनका वर्गों का वो योग है समेशन डी स्क्वायर और एन, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि आवृत्तियों की कुल संख्या है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम प्रत्यक्ष रीति से बहुत आसानी से स्टैंडर्ड डिविशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना के लिए हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार ये आंकड़े हैं 10, 25, 13, 8, 20, 12 और 31। प्रमाप विचलन और गुणांक की गणना के लिए पहले हम इसे सूचीबद्ध कर लेंगे, एक तालिका का निर्माण हम कर लेंगे जिसमें हम पहले कॉलम में क्रमांक लिखेंगे जो कि 1 से लेकर 7 तक है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n इक्वल टू 7 है। दूसरे कॉलम में हम पद मूल्य जो कि प्रश्न में हमको दिए गए हैं उन्हें हम अंकित कर लेंगे जो कि 10, 25, 13, 8, 20, 12 और 31 है। अगर हम पद मूल्यों का टोटल करें क्योंकि हमें समांतर माध्य के लिए समेशन x की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पर समेशन x की कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि 119 होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमको वास्तविक माध्य से विचलन ज्ञात करना है तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमने माध्य की कैलकुलेशन की तो हमने फॉर्मूला लगाया x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n, x बार जो कि 119 था और अपॉन n जो कि 7 था, तो हमारा जो x बार यानी कि मीन जो है वो 17 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। ये वास्तविक माध्य अब हमें प्राप्त हो चुका है तो इसके आधार पर हम d इक्वल टू x माइनस x बार करते हुए वास्तविक माध्य से विचलन को ज्ञात कर लेंगे। अब जब हम पद मूल्यों में से इसे माइनस करते हुए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 माइनस 17 माइनस 7, 25 माइनस 17 प्लस 8, 13 माइनस 17 माइनस 4, 8 माइनस 17 माइनस 9, 20 माइनस 17 प्लस 3, 12 माइनस 17 माइनस 5 और 31 माइनस 17 प्लस 14 हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूले के लिए विचलनों का वर्ग चाहिए तो विचलन हमारे पास यानी डी हमारे पास यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। अब डी स्क्वायर हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 16, 9 इंटू 9 81, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25 एंड 14 इंटू 14 196। अब क्योंकि फॉर्मूले में हमें समेशन डी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 440 हो जाएगा। प्रमाप विचलन की गणना के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर हमें समेशन डी स्क्वायर भी मिल गया है और एन भी मिल गया है। अब इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट 440 अपॉन 7 जो कि हो जाएगा अंडर रूट 62.86 और जब हम इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें 7.928 की कैलकुलेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इसके आधार पर जब हम इसके कोफिशिएंट के कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है 7.92 डिवाइडेड बाय मीन हमने फाइंड आउट कर लिया था 17, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा 0.466। तो आपने देखा कि जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर शॉर्टकट विधि से हम स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर डिस्पर्शन की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब शॉर्टकट मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जैसे कि हमने अभी तक डिविएशन फाइंड आउट किया है शॉर्टकट मेथड, हालांकि क्योंकि अधिक नंबरों के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोसेस लंबा होता है फिर भी ये शॉर्टकट कहलाता है क्योंकि बड़े नंबर बहुत ज़्यादा नंबरों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं इस मेथड को। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविशन की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी बात,
यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविजन का चिन्ह आपने देखा कि हम किस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर जो समेशन डी एक्स है, समेशन डी एक्स को हम श्रेणी के जो हमने कल्पित माध्य एज्यूम मिल लिया, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में हम कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हम एज्यूम मिल लेंगे और उस एज्यूम मीन के द्वारा हम जो उस पूरे जो पदमूल्य होंगे उनका विचलन हम ज्ञात करेंगे। तो उनका जो योग होगा वो उसे हम यहाँ पर समेशन डी एक्स से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम इन विचलनों का योग ज्ञात कर रहे हों तो वहाँ पर हमको प्लस माइनस का ध्यान अब हमको रखते हुए, प्लस और माइनस चिन्हों का ध्यान रखते हुए ही ये कैलकुलेशन करनी है। अगला जो है पे समेशन डी एक्स के स्क्वायर से हम प्रदर्शित करेंगे वो होगा यहाँ पर श्रेणी के जो कल्पित माध्य हैं और जो विचलन वर्गों का जो हमने कैलकुलेशन की है उनका योग आएगा, और उसके बाद एन, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि पदों की जो कुल संख्या है वो फ्रिक्वेंसी जो है उसे हम एन कहते हैं। तो कैसे होगी ये पूरी प्रक्रिया और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविजन की, आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। शॉर्टकट मेथड से जब हम स्टैंडर्ड डिविजन की कैलकुलेशन करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उनमें कुछ आय के आंकड़े हमको दिए गए हैं। इन आय के आंकड़ों को जब हम तालिकाबद्ध करेंगे, तो जब हम टेबल का निर्माण करेंगे तो टेबल के पहले कॉलम में जो है वो हम क्रमांकों को लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में हम ये जो प्रश्न में पदमूल्य दिए गए हैं उन्हें हम अंकित कर लेंगे, और तीसरे कॉलम में क्योंकि हम यहाँ पे अब शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमको कल्पित माध्य की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, एज्यूम मीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 155 को कल्पित माध्य, क्योंकि लगभग बीचों बीच का जो पद मूल्य रहता है उसे हम कल्पित माध्य के लिए चूज करते हैं, तो 155 को हमने यहाँ पर कल्पित माध्य लिया है। तो इस आधार पर जो हमारा dx होगा, मतलब कल्पित माध्य से विचलन जो होगा वो हो जाएगा 145 - 155 - 10, 148 - 155 - 7, 150 - 155 - 5, 154 - 155 - 1। इस तरह से जब हम माइनस करते जाएंगे तो जो हमें dx का मूल्य मिलेगा वो होगा 0, 0 + 1 + 1, 4, 7। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो समेशन dx है, प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें समेशन dx जो है वो -10 प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि हमको इसका वर्ग चाहिए फॉर्मूले के लिए तो हम इसका वर्ग आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि 10 × 10 100, 7 × 7 49, 5 × 5 25, इसी तरह से ये हो जाएगा 10011 16 49। और क्योंकि हमको समीशन dx स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी तो हम समीशन dx स्क्वायर इक्वल टू 242 यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविजन की कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होगा अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि समेशन dx स्क्वायर जो है वो है 242 अपॉन 10 n, क्योंकि हमारा 10 है, माइनस क्योंकि समेशन dx जो है वो माइनस 10 है और माइनस 10 अपॉन 10 होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं अंडर रूट 24.2 माइनस, और क्योंकि फिर से माइनस 1 स्क्वायर है तो उसे हम ब्रैकेट में अलग कर देंगे। इस तरह से जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें अंडर रूट 23.2 मिलेगा, और जब हम अंडर रूट को भी सॉल्व कर लेंगे तो 4.816 जो है यहाँ पर वो आंसर हमको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड में भी। अब अगर हम खंडित श्रेणी की बात करें कि अलग अलग श्रेणियों में, जैसे हमने देखा कि डिस्पर्शन को भी हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम खंडित श्रेणी में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारा उसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो किस तरह से होगी। तो खंडित श्रेणी में भी स्टैंडर्ड डिविजन कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट यानी कि लघु रीति का प्रयोग करेंगे। अब बात अगर हम प्रत्यक्ष मेथड की करें तो खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से अगर स्टैंडर्ड डिविजन की हमको कैलकुलेशन करनी है तो हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो होगा स्टैंडर्ड डिविजन इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन।
अब क्योंकि यहाँ पर हमको हमने देखा कि अब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे उसका जो आधार होगा वो समांतर माध्य होगा यानी कि मीन होगा, तो इसके पहले हमको यहाँ पर मीन की कैलकुलेशन कर लेनी है। और मीन की कैलकुलेशन अलग अलग श्रेणियों में किस तरह से की जाती है ये हमने पहले के अध्यायों में जाना है। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर महत्वपूर्ण करनी है, पहला तो हमको मीन कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद ये इस फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविशन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविशन के बारे में आप जान गए हैं उसके चिन्ह के बारे में, उसके बाद सेकेंडरी हम जो देखते हैं कि समेशन एफ डी स्क्वायर उसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, उसके अंतर्गत हम टेबल में देखेंगे कि जो विचलन वर्गों और आवृत्तियों का हमने जो गुणनफल ज्ञात किया है एफ और डी का जो वर्ग हमने कैलकुलेट किया था उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हमने ज्ञात कर लिया है उसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर हो जाएगा समेशन एफ डी स्क्वायर। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं एन, तो वो हम जानते हैं कि आवृत्तियों का योग होगा। तो ये तो थी खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति की बात। अब अगर हम खंडित श्रेणी को लघु रीति से स्टैंडर्ड डिविशन के कैलकुलेशन के लिए देखें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा स्टैंडर्ड डिविशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ पर भी जब हम एफ डी एक्स की बात करें या समिशन एफ डी एक्स स्क्वायर की बात करें या एन की बात करें तो वो सभी श्रेणियाँ वही होंगी जो हमने प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत देखी थी। तो आइए खंडित श्रेणी में इन दोनों रीतियों से किस तरह से स्टैंडर्ड डिविशन की कैलकुलेशन की जाती है देखते हैं। खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना प्रत्यक्ष रीति से करने पर यहाँ पर दिए गए प्रश्न में आकार और आवृत्ति दी गई है जिन्हें हम टेबल में पहले और दूसरे कॉलम में व्यवस्थित कर लेंगे। पहले कॉलम में हम आकार को लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और दूसरे कॉलम में हम आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी को अंकित कर लेंगे 6, 12, 18, 26, 16, 10, 8। यहाँ हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर n इक्वल टू 96 है। अब क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में हमको स्टैंडर्ड डिविशन इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम एफ एक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे। एफ एक्स की कैलकुलेशन के लिए हम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और अब क्योंकि यहाँ पर हमको समांतर माध्य की जरूरत पड़ेगी तो समांतर माध्य की गणना के लिए हम थर्ड कॉलम में एफ एक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। एफ वाले कॉलम को हम एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमें जो नंबर मिलेंगे वो होंगे 6, 24, 54, 100, 104, 80, 60 और 56। जब हम यहाँ पे समेशन एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 384। नेक्स्ट कॉलम में क्योंकि हमको समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना है तो इसके पहले हम समांतर माध्य कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम इस कॉलम को फिल करेंगे। तो यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें समेशन एफ एक्स अपॉन एन इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समेशन एफ एक्स 384 है अपॉन एन यानी डिवाइडेड बाय एन 96 करेंगे तो हमको एक्स बार इज इक्वल टू 4 यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। अब क्योंकि हमको समांतर माध्य ज्ञात हो गया है तो इसके आधार पर जब हम विचलन यानी कि डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एक्स माइनस 4 के आधार पर हम इस पूरी सीरीज को यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे कि x हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 है तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, इस तरह से जब हम इसको माइनस करते जाएंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हमें ज्ञात हो जाएगा। अब क्योंकि फॉर्मूले में हमको डी स्क्वायर चाहिए तो ये जो डी कॉलम हमने बना लिया है इसके आधार पर हम डी स्क्वायर निकाल लेंगे यानी माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 और इसी तरह से 0, 1, 4 और 9 हम ज्ञात कर लेंगे। अब क्योंकि हमको विचलन वर्गों एवं आवृत्तियों का गुणनफल भी चाहिए तो हम f को इस d इस ये जो हमने d स्क्वायर कैलकुलेट किया है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f d स्क्वायर हमको आ जाएगा और बाद में हम इसका समेशन यानी कि टोटल निकाल लेंगे। तो f कॉलम को जब हम d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं 6 × 9 = 54, 12 × 4 = 48, 18 × 1 = 18, इसी तरह से 0, 16, 40 और 72 हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है और जब हम समीशन एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें 248 मिल जाएगा।
स्टैंडर्ड डिविजन की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डिविजन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविजन इक्वल टू अंडर रूट 248 अपॉन 96, जो कि हो जाएगा 2.58, और जब हम अंडर रूट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर 1.607 अप्रोक्स आ जाएगा। लघु रीति से जब हम समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की गणना करते हैं तो यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे हैं कि हमको आकार दिए गए हैं और आवृत्ति दी गई है। जब हम इसको सूचीबद्ध करेंगे तो पहले कॉलम में हम इसके आकार को लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में हम इसकी आवृत्ति को लिख लेंगे। अब क्योंकि हमें कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम बीचों बीच की जो राशि होगी यानी 6.5 को हमने यहाँ पर कल्पित माध्य मान लिया है। इस तरह से जब हम कल्पित माध्य से विचलन कैलकुलेट करेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखते हैं कि 3.5 माइनस 6.5 इक्वल टू माइनस 3, 4.5 माइनस 6.5 इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से जब हम माइनस करते जाएंगे तो हमें माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3 मिल जाएगा। विचलनों के वर्ग की अगर बात करें तो क्योंकि विचलन यानी dx हमने ज्ञात कर लिया है तो नेक्स्ट जो कॉलम है वहां पर हम बहुत आसानी से dx स्क्वायर की कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि 3 into 3 equal to 9, 2 into 2 4, 1 into 1 1, इस तरह से हमें 0, 1, 4, 9 विचलनों का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि हमको फॉर्मूले के लिए एफ डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, एफ डी एक्स मतलब विचलनों का आवृत्तियों के साथ जो गुणनफल है, तो यहाँ हमारे पास आवृत्ति भी है और विचलन भी है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस 9, 7 इंटू माइनस 2 तो माइनस 14, तो इस प्रकार हमें माइनस 22, 0, 85, 64 और 24 हमको प्राप्त हो जाएगा। और जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए तो हमें समेशन एफ डी एक्स इक्वल टू 128 प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे हमको प्रमाप विचलन की गणना के फॉर्मूले के लिए हमको एफ डी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है। एफ डी एक्स हमने ज्ञात कर लिया है तो हम बहुत आसानी से एफ डी एक्स स्क्वायर भी हम ज्ञात कर लेंगे। एफ का कॉलम है हमारे पास और डी एक्स स्क्वायर का कॉलम है हमारे पास, तो 3 इंटू 9 हम यहाँ पर करेंगे तो 27, 7 इंटू 4 28। इसी तरह से हम एफ को डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें 22, 0, 85, 128 और 72 मिल जाएगा। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमको समेशन एफ डी एक्स इक्वल टू 362 यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पर समांतर माध्य की गणना करनी होती है तो समांतर माध्य की गणना के लिए हम यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन n फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लघु रीति से शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो a क्योंकि हमने 6.5 एज्यूम किया था और समेशन एफ डी एक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं 128 है, अपॉन n हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है n जो है वो 217 है, तो ये हमारा हो जाएगा 7.089। अब क्योंकि हमें प्रमाप विचलन की गणना करनी है तो प्रमाप विचलन का स्टैंडर्ड डिविजन का यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर जो है वो है 362 अपॉन एन 217 माइनस समेशन एफ डी एक्स जो है वो 128 है अपॉन एन 217 होल स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1.668 माइनस 0.589 होल स्क्वायर। जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें ये कुल मिलाकर अंडर रूट 1.322 ज्ञात हो जाएगा, जिसका अंडर रूट कैलकुलेट करने के बाद हमें 1.149 आंसर यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो आपने देखा कि खंडित श्रेणी में डिस्क्रीट सीरीज में जब हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस प्रकार की जाती है, और वही कैलकुलेशन जब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो किन किन प्रक्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं। अब हमारी जो तीसरी श्रेणी है यानी कि अखंडित सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में जब हम प्रमाप विचलन की गणना करते हैं तो यहाँ पर हम दो से एक आगे बढ़कर तीन मेथड्स का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। एक रीति तो होती है पहले के जैसे प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड,
दूसरा लघु रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड, और तीसरी यहाँ पे हम जो जिस नई रीति की बात करते हैं वो है पद विचलन रीति यानी कि स्टेप डिविशन मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम प्रत्यक्ष रीति से विचलन यहाँ पर ज्ञात करते हैं, डिविशन कैलकुलेट करते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जैसे अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर भी n टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, स्टैंडर्ड डिवीशन का जो स्मॉल सिग्मा का जो चिन्ह है वही हम यूज़ करेंगे, और एफ डी एक्स जो होगा वो विचलन और आवृत्ति, क्योंकि हम देख रहे हैं पे f इंटू डी एक्स एफ डी एक्स, तो और उसके बाद समीशन भी है, तो यहाँ पर भी यही होगा कि विचलन और आवृत्ति के जो गुणनफलों का गुणनफल हमने कैलकुलेट किया है उसका जो योग होगा वो समीशन एफ डी एक्स होगा। उसके बाद दूसरे मेथड को अगर हम देखें वो है शॉर्टकट मेथड। जब हम स्टैंडर्ड डिवीशन को शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा स्टैंडर्ड डिवीशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि समीशन एफ डी एक्स जो है वो भी विचलन और आवृत्ति जो है उनके गुणनफलों का योग है, और अगर हम बात करें समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर की तो वो विचलन के जो वर्ग हैं और जो आवृत्ति है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का जो गुणन है उनका जो टोटल होता है योग होता है वो यहाँ पर कहलाएगा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर। तो किस तरह से हम शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डिविशन की कैलकुलेशन करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन की गणना के लिए जो प्रश्न हमारे पास है उसके अंतर्गत कुछ अंक वर्गीकृत श्रेणी में दिए गए हैं और छात्रों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी f दी गई है। इसे हम एक टेबल में अंकित कर लेंगे। समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की गणना के लिए हम जिस टेबल का निर्माण करेंगे उसके पहले कॉलम में हम अंकों का वर्ग अंकित करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 12, 12 टू 16। सेकेंड कॉलम में हम छात्रों की संख्या अंकित करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 4, 8 टू 1, और क्योंकि हमें यहाँ पर समांतर माध्य की गणना करनी है और वो भी प्रत्यक्ष रीति से करनी है। जब हम प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है x bar is equal to summation fx upon n। तो क्योंकि हमें summation fx की जरूरत पड़ेगी, पहले हम x निकाल लेंगे फिर fx निकालेंगे। x निकालने के लिए हम अंकों के जो l1 है और l2 है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 plus 4 divided by 2 equal to 2, 4 plus 8 divided by 2 equal to 6, 8 plus 12 divided by 2 equal to 10, 12 plus 16 divided by 2 equal to 14। अब हमें f और x दोनों प्राप्त हो गए हैं तो हम fx कैलकुलेट कर लेंगे 8, 48, 20 और 14। dx की हमको जरूरत पड़ेगी डेविएशन के लिए, तो dx निकालने के लिए हमने जो assume mean माना है वो हम क्योंकि x के बीच से लेंगे तो assume mean यहाँ पे हमने x सीरीज में से 6 ले लिया है। तो dx के लिए जब हम x माइनस a करेंगे तो सबसे पहले 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 6 8। ये हमको ज्ञात हो गया। अब हमें चाहिए dx स्क्वायर, तो dx को हम स्क्वायर करते जाएंगे, यानी माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 16, 0 फिर 16 और 64 हमें यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब हमें एफ डी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास f है और डी एक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन अब हमने कर ली है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 16 64, 4 इंटू 0 8 इंटू 0 0, 2 इंटू 16 32, 1 इंटू 64 64। तो ये हमारा समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 160। अब क्योंकि हमें समांतर माध्य की गणना करनी है, मीन निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। हमने देखा कि समेशन एफ एक्स हमें 90 ज्ञात हुआ था और n 50, तो हमारा x बार यानी समांतर माध्य 6 हमको प्राप्त हो जाएगा।
अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है, हम यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन ग्रुप सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन ग्रुप सीरीज में डायरेक्ट मेथड से करने पर हमारा फॉर्मूला होगा अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी अंडर रूट 160 अपॉन 15। ये हो जाएगा अंडर रूट 10.66, जिसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.265 लगभग हमें प्राप्त हो जाएगा। अखंडित यानी कि ग्रुपिंग मेथड में, अखंडित श्रेणी में जब हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए जो प्रश्न हमारे सामने है वहां पर कुछ वर्गांतर और आवृत्तियां दी गई हैं। जब इसके लिए हम टेबल का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले कॉलम में हम इस वर्गांतर को लिख लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे जो कि प्रश्न में दी गई है 8, 13, 16, 8 और 5। जब हम x की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर x बार भी कैलकुलेट करना है और उसके आधार पर हमें कल्पित माध्य से विचलनों को ज्ञात करना है, तो हमको x की जरूरत पड़ेगी। x की कैलकुलेशन के लिए हम पहले की जैसे ही करेंगे L1 plus L2 upon 2, तो ये हमें माध्य मूल्य यानी कि x ज्ञात हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। इसके आधार पर जब हम कल्पित माध्य या डिविशन जब हम निकालेंगे तो हम x के वैल्यू में से बीचों बीच की एक वैल्यू यानी कि 25 को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो एज्यूम मीन जो हमारा है वो 25 हो जाएगा। और जब हम x माइनस डी एक्स करते जाएंगे तो ये हमें 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20 हमें ज्ञात हो जाएगा। अब क्योंकि हमने डी एक्स की कैलकुलेशन करनी है तो हमें विचलनों का वर्ग यानी डी एक्स स्क्वायर चाहिए, जो कि हो जाएगा 20 into 20 400, 10 into 10 100, 0 फिर 100 और फिर 400। अब क्योंकि हमको डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए एफ डी एक्स की जरूरत पड़ेगी यानी कि विचलनों एवं आवृत्तियों का गुणनफल चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास एफ कॉलम भी है और डी एक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, हम एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमें ज्ञात होते जाएगा -160, -130, 0, 80, 100। नेक्स्ट कॉलम में हम एफ डी एक्स यानी कि विचलन वर्गों एवं आवृत्तियों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। हमने यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है और एफ है हमारे पास ऑलरेडी, हम एफ को डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 3200, 1300, 0, 800, 2000। जब हम समेशन एफ डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा -110, और जब हम समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 7300। अब क्योंकि यहाँ पर हमको मीन की कैलकुलेशन भी करनी है और वो भी शॉर्टकट मेथड से करना है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, क्योंकि a हमने यहाँ पर 25 लिया था तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 25 प्लस समेशन एफ डी एक्स यानी -110 डिवाइडेड बाई 50। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 25 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 22.8 हमें मीन प्राप्त हो जाएगा। अब जब हम इसके लिए प्रमाप विचलन की गणना करेंगे तो क्योंकि अब हम अखंडित श्रेणी में शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7300 अपॉन 50 माइनस 110 अपॉन 50 होल स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 146 माइनस 2.2 होल स्क्वायर, और ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा अंडर रूट 146.4.84, जो कि कैलकुलेट करके हो जाएगा अंडर रूट 141.16, और जब हम
इसकी अंडर रूट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 11.88 लगभग प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविजन प्राप्त हो जाएगा। तो हमने सतत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन देखी स्टैंडर्ड डिविजन की। अब जो इसकी नई रीति है सतत श्रेणी में यानी कि स्टेप डिविजन, वो क्या है और क्या अंतर है इनमें से, ये हम देखते हैं। तो स्टेप डिविजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये केवल सतत श्रेणी के लिए यूज़ होता है और सतत श्रेणी में वर्गांतर दिए रहते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि वर्गांतरों के आधार पर हम मध्य मूल ज्ञात कर लें यानी कि एक्स की कैलकुलेशन हम कर लें। उसके बाद जो एक्स सीरीज हमको जो प्राप्त हुई है उसमें से जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे एक ए एज्यूम मीन कल्पित माध्य को हम अलग कर लेते हैं, और थर्ड स्टेप में हम वहीं से जब एक्स माइनस ए करते हैं तो डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर चेंज क्या है, अंतर क्या है कि हम स्टेप डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको जो फॉर्मूला यहाँ पर डी एस के लिए यूज़ करना पड़ेगा वो होगा डी एस इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई मीन्स यहाँ पर जो हम वर्गांतर देख रहे हैं क्लास इंटरवल जो हम देखेंगे उनका जो डिफरेंस है वो कितना है। आई मतलब क्लास इंटरवल जो रहता है वो हम पहले से जानते हैं कि क्लास इंटरवल होता है, तो अब तक हम यहाँ पे आई से डिवाइड नहीं करते थे, लेकिन जब हम स्टेप डिविजन मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमको एक्स माइनस ए को आई से डिवाइड करके डिविजन निकालना है। और क्योंकि फॉर्मूले में हमको डी एस स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट स्टेप में डी एस स्क्वायर मतलब जो भी हमने डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर हम ज्ञात कर लेंगे। और कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू आई इनटू अंडर रूट समेशन एफ डी एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एस अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो आई के बारे में हमने जाना कि क्लास इंटरवल है वो, एफ डी एस मतलब फ्रिक्वेंसी और डेविएशन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका टोटल, क्योंकि हम समेशन देख रहे हैं तो उसका टोटल, और समेशन एफ डी एस स्क्वायर है तो हमने डेविएशन का जो वर्ग ज्ञात किया था उसका जब हम आवृत्ति से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका जो टोटल होगा वो हम यहाँ पर समेशन एफ डी एस स्क्वायर के अंतर्गत प्रदर्शित करेंगे। तो ये इस पूरे मेथड से किस तरह हम स्टेप डेविएशन के द्वारा हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं, आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई इनटू अंडर रूट समेशन एफ डी एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एस अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको जिन जिन चीजों की जरूरत फॉर्मूले में पड़ती है उसे देखकर उसके आधार पर ही हम कॉलम का निर्माण यहाँ पर टेबल में करते हैं। तो क्योंकि हमें एफ डी एस स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, समेशन एफ डी एस की जरूरत पड़ेगी, तो इसके आधार पर हम चलिए टेबल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि खंडित श्रेणी का ये प्रश्न है और साथ में आवृत्तियां दी गई है। टेबल में पहले कॉलम में हम वर्ग का निर्माण करेंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। फ्रीक्वेंसीज हम लिख लेंगे 4, 8, 8, 16, 12, 4, 6, 4। अब क्योंकि हमें मिड वैल्यू यानी एक्स की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी तो हम L1 प्लस L2 अपॉन 2 के आधार पर मिड वैल्यू यानी एक्स यहाँ ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। जब हम कल्पित माध्य से विचलन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। हमने एक्स की सीरीज में से 45 को ए मान लिया है और इस आधार पर जो डी एक्स का कॉलम है वो हमें प्राप्त होगा 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 0, 10, 20, 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल आ रहा है वो सब में
10 10 का जो डिफरेंस है तो i इक्वल टू हम यहां पर कहेंगे कि 10। अब इसके आधार पर जब हम पद विचलन की कैलकुलेशन करेंगे यानी कि हम जब ds कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस a अपॉन i। तो यहां पर हमको स्टेप बाय स्टेप x मिलते जाएगा। जैसे यहां पर हम सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करेंगे 15 माइनस a यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 10। 15 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3। 25 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2। 35 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 0। 55 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 1। 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2। 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3। अब इसके आधार पर जब हमने ds ज्ञात कर लिया तो हमें पद विचलनों का वर्ग यानी कि ds स्क्वायर बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 into 3 या हम कह सकते हैं माइनस 3 into माइनस 3 9, माइनस 2 into माइनस 2 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 0 1 4 9। अब क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूले में fds यानी कि पद विचलन एवं आवृत्तियों के गुणनफल की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि ds हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है और f हमारे पास ऑलरेडी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे यानी 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 8 इंटू माइनस 2 16, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 0, 12 12 12। इस तरह से हम fds स्क्वायर की भी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूले में fds स्क्वायर यानी पद विचलन के वर्गों एवं आवृत्तियों का गुणनफल चाहिए। तो जब हम fds स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम f को ds स्क्वायर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ds स्क्वायर का हमारा ये कॉलम है, इसको हम जब f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 4 इंटू 9 36, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 1 8 और इस तरह से 0 12 24 36 हमको ज्ञात हो जाएगा। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हम देखते हैं समेशन एफ डी एस स्क्वायर इक्वल टू 148 हमको ज्ञात हो जाएगा। अब जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 148 अपॉन 58 माइनस 0 अपॉन 58 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 10 इंटू 2.55 माइनस 0 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 2.55 जो कि हो जाएगा 10 इंटू 1.596 यानी कि 15.96 के लगभग। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड से बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें विचरण गुणांक की तो जैसे अभी तक हम विचरण गुणांक ज्ञात कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम बहुत आसानी से विचरण गुणांक ज्ञात कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से भी, जिसका फॉर्मूला होगा कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ये आपका विचरण गुणांक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले भी हम ज्ञात कर चुके हैं क्योंकि अब यहाँ पर हमको हमेशा मीन के थ्रू ही इसको फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम फॉर्मूले में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और इंटू 100 करके बहुत आसानी से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स के आधार पर विचरण गुणांक की गणना की जाएगी। जब हम x वेरिएबल के लिए विचरण गुणांक की गणना करेंगे और जब इस प्रश्न के लिए हम टेबल का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले कॉलम में हम x वेरिएबल की जो मूल्य है वो अंकित करेंगे जो कि 41, 44, 43, 48, 45, 46, 49, 50, 42 और 40 हैं। ये टोटल नंबर में 10 है और जब हम इसके आधार पर dx की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम x के बीचों बीच की एक वैल्यू a को अगर हम लेते हैं तो लगभग 45 को हम a मानेंगे और इसके आधार पर जब हम dx की कैलकुलेशन करेंगे तो 41 माइनस 45 माइनस 4,
44 माइनस 45 माइनस 1 और इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो माइनस 2 प्लस 3 0 1 4 5 माइनस 3 माइनस 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर हम प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए जब इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमें समेशन dx इज इक्वल टू माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमको dx स्क्वायर की जरूरत है तो हम dx स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। dx ऑलरेडी है हमारे पास, इसको हम स्क्वायर करते जाएंगे। माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 2 इंटू 2 4। इस तरह से हम जब कैलकुलेट करते जाएंगे तो 9 0 1 16 25 9 और 25 ये हमें ज्ञात हो जाएगा। और जब हम समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें 106 प्राप्त हो जाएगा। अब जिस तरह हमने x वेरिएबल के लिए कैलकुलेशन यहाँ पर की है बिल्कुल उसी तरह हम अगले कॉलम में y वेरिएबल्स के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में हम पूरे के पूरे y वेरिएबल को जैसा प्रश्न में दिया है वैसा का वैसा अंकित कर लेंगे, जो कि 91, 93, 96, 92, 90, 97, 99, 94, 98 और 95 है। ये भी टोटल नंबर में 10 है। dy निकालेंगे जिस तरह हमने dx निकाला वैसे ही हम dy निकालेंगे। यहां पर भी हम एक एज्यूम मीन लेंगे, तो यहां हम एज्यूम मीन जो है वो 90 लेते हैं और इस आधार पर जब हम dy निकालते हैं तो 91 माइनस 90 प्लस 1, 93 माइनस 90 प्लस 3 और इस तरह से 6, 2, 0, 7, 9, 4, 8, 5 ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये समेशन dy इक्वल टू 45 हम ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे हमने dx स्क्वायर कैलकुलेट किया था बिल्कुल उसी तरह हम dy स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो dy ऑलरेडी है हमारे पास, हम dy स्क्वायर कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमको मिलते जाएगा 1, 9, 36, 4, 0, 49, 81, 16, 64 और 25। फिर हम जब इसका टोटल कर लेंगे समेशन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा समेशन dy स्क्वायर इक्वल टू 285। अब हम दोनों ही वेरिएबल्स के लिए अलग अलग समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम x शेयर्स की कीमत का समांतर माध्य जब ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम क्योंकि हम यहाँ पर एज्यूम मीन हमने माना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि x बार इक्वल टू 45 प्लस माइनस 2 अपॉन 10, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 45 माइनस 0.2, यानी x बार हम यहाँ पर 44.8 कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो उसके लिए ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट स्टेप में जब इस फॉर्मूले पे हम जो इसके मान आए हैं उन सबको इसमें पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 106 अपॉन 10 माइनस माइनस 2 अपॉन 10 होल स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 10.6 माइनस 0.2 स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 10.6 माइनस 0.04 और इसकी कैलकुलेशन करके ये हमें मिल जाएगा 10.56 और जब हम अंडर रूट की कैलकुलेशन कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एक्स हो जाएगा 3.249 के लगभग। बिल्कुल इसी तरह हम y अंशों की भी समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की गणना करेंगे। तो जब हम y शेयर्स के समांतर माध्य की गणना करेंगे तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी वाई अपॉन एन। तो a हमने देखा कि यहाँ पर 90 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 अपॉन 10 और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 90 प्लस 4.5 तो ये हो जाएगा 94.5। अब जबकि हम प्रमाप विचलन की गणना करेंगे तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है डेविएशन फ्रॉम y, क्योंकि दो वेरिएबल है तो यहाँ पर हम x और y का यूज कर रहे हैं तो ये डेविएशन फ्रॉम y हो जाएगा अंडर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी वाई अपॉन एन होल स्क्वायर,
इन सब मानों को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 285 अपॉन 10 माइनस 45 अपॉन 10 होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 28.5 माइनस 4.5 स्क्वायर, यानी 28.5 माइनस 20.25, और ये हो जाएगा अंडर रूट 8.25। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वाई का है वो है प्राप्त होगा हमें 2.872 के लगभग। अब क्योंकि इसके आधार पर हमें विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए जब हम x का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100। तो क्योंकि हमें हमने x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड आउट कर लिया है और समांतर माध्य भी हमने ज्ञात कर लिया है, अब इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा 3.249 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है और अपॉन x बार 44.8 इनटू 100, जिसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 7.252 लगभग ये हमें ज्ञात हो जाएगा। अब जब हम इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कैलकुलेशन y के लिए करेंगे तो हमारा फॉर्मूला सेम वही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100, तो ये हो जाएगा 2.872 अपॉन 94.5 इनटू 100, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 287.2 अपॉन 94.5, ये हो जाएगा 3.04 के लगभग। अब यहां पर हम देखते हैं कि y श्रेणी का जो विचरण गुणांक है वो 3.04% है और x श्रेणी का जो विचरण गुणांक है वो 7.25% से कम है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि y श्रेणी के पद मूल्य में विचरणता कम है और इसमें स्थिरता जो है वो अधिक है।